लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है। कई जगह तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालांकि इंडिया इकलौता ऐसा देश नहीं जहां इतनी गर्मी पड़ती है। दुनिया में ऐसे कई देश जहां तापमान 60 से 70 डिग्री तक पहुंच चुका है। इन जगहों को धरती का सबसे गर्म देश कहा जाता है। दुनिया में ऐसे कई देश जहां तापमान 60 से 70 डिग्री तक पहुंच चुका है। दश्त-ए-लुत को धरती का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। साल 2004 में यहां का तापमान 70 डिग्री और 2005 में 70.7 डिग्री तक पहुंच गया था। बताया जाता है कि लुत के ज्यादातर हिस्से में इतनी गर्मी पड़ती है कि यहां किसी जीव जंतु के लिए रहना संभव नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का सबसे शुष्क महाद्वीप कहा जाता है। बैडलैंड्स के नाम से मशहूर यहाँ क्वींसलैंड आउटबैक का हिस्सा एक बड़ा रेगिस्तान है। साल 2003 में यहाँ भयंकर सूखा पड़ा था। उस वक्त यहाँ का तापमान 69.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। चीन के शिनजियांग में तियान शान पहाड़ों की श्रृंखला में आने वाले फ्लेमिंग माउंटेन को भी गर्म इलाकों में जाना जाता है। 2008 में यहाँ पर समुद्री तल का तापमान 66.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। उस साल धरती पर नापा गया ये सबसे ज्यादा तापमान था। मेक्सिको के नाका में एक क्रिस्टल गुफा है। इसे अब तक मिला सबसे बड़ा प्राकृतिक क्रिस्टल माना जाता है। ये गुफा इतना गर्म है कि यहाँ पर हवा का अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, जिसके कारण यहाँ आज तक ज्यादा खोजबीन नहीं की गई। लीबिया की राजधानी त्रिपोली से 40 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद अल-अज़ीज़ियाह की गिनती बेहद गर्म शहरों में की जाती है। 1922 में यहाँ का अधिकतम तापमान 57.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। आमतौर पर गर्मी में यहाँ का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। कैलिफोर्निया के मोजेव रेगिस्तान में स्थित डेथ वैली उत्तरी अमेरिका के सबसे सूखे और गर्म इलाकों में से है। समुद्र के स्तर से काफी नीचे होने के कारण यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। जुलाई 1913 में यहाँ का तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, जो अब तक का रिकॉर्ड तापमान है। हालांकि आमतौर पर यहाँ का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रहता है।